सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज मेवाड़ में। आज अमल कर रहे हैं कार्यपत्रक 23, जो कि प्रखर कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 8 का कार्यपत्रक 23 पेज नंबर 32 पर है। आइए हम शुरू करें। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वाला आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 23 दक्षता कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ सूरवीरों का शहर है, जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत तथा स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा गया है। यह किला बेड़स नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ के किले को देखने के लिए आते हैं। अब इसके प्रश्न हैं अनुच्छेद के, इसी में इनके उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है बेड़च नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 3, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सिरमौर, सिरमौर से बनेगा शिरोमणि मुंबई भारत का सिरमौर है। बलिदान, कुर्बानी, सेना के जवान देश के लिए बलिदान देते हैं। सूरवीर, सूरवीर यानी वीर व्यक्ति, सूरवीर महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं। अद्वितीय यानी अनोखा, ताजमहल शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। 5, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। कह साहस यानी हिम्मत, विश्व यानी जगत, दुर्ग यानी किला। भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वे किला कहाँ स्थित हैं लिखिए। तो किलों के नाम हैं मेहरानगढ़ किला, लाल किला, ग्वालियर का किला, और इनके स्थान है मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर, लाल किला दिल्ली, ग्वालियर का किला है मध्य प्रदेश में। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, उसमें उंगली लगाए प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से सभी आप एक साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।